हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एग करी। एग करी बनाने के लिए हमें सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। हमें पहले ऑनियंस, टोमेटोस एंड चिलीज़ को स्मॉल पीसेस के अंदर कट करना है। सबसे पहला स्टेप हमारा है कि हमें सभी एग्स को बॉईल करना है। तो बॉईल करने के लिए हम सबसे पहले एक बाउल लेंगे और उसके अंदर वाटर को बॉईल करेंगे। जैसे ही वाटर थोड़ा सा बॉईल होगा, उसकी तरफ हम डालेंगे 1 स्पून सॉल्ट, और उसके बाद हम 1 बाय 1 एग डालेंगे बाउल के अंदर और उसको अच्छे से बॉईल करेंगे। उसके बाद एग्स बॉईल हो जाएंगे तो उसको रिमूव करने के बाद हमें एग के सभी छिलकों को अच्छे से रिमूव कर देना है। एक छोटे से पैन के अंदर ऑयल लेना है और उसको एग को फ्राई करना है 1 बाय 1। अब फ्राई होने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे। और अब एक पैन के अंदर हम लेंगे थोड़ा सा ऑयल। जैसे ही ऑयल हीट होगा, उसके अंदर हम डालेंगे 1 स्पून मस्टर्ड सीड्स एंड 1 स्पून जीरा। उसके बाद डालेंगे करी लीव्स, ऑनियंस, ग्रीन चिलीज एंड टोमेटोस। सभी वेजिटेबल्स को अच्छे से हमको मिक्स करना है। उसके बाद हमें डालना है 1 स्पून टर्मरिक पाउडर एंड 1 स्पून चिली पाउडर, सॉल्ट 1.5 स्पून। उसके बाद हमें डालना है 1 स्पून कोरिएंडर पाउडर। उसके बाद सारे स्पाइसेस को अच्छे से हमें मिक्स करना है वेजिटेबल्स के साथ। उसके बाद हमें डालना है 1 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और एक बार और अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा सा डालना है हमें पैन के अंदर वाटर और उसको थोड़ी देर के लिए कुक करना है। अब ये हमें मिक्स कर दिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 ग्लास वाटर और अच्छे से इसको हमें बॉईल करना है। इसको अच्छे से कुक करने के लिए हमें मिक्स करने के बाद एक प्लेट से पैन को कवर करना है 5 मिनट्स के लिए। उसके बाद हमें जो एग साइड में रखे थे, फॉर्क से उसके अंदर होल्स करना है। जैसे ही पैन में वाटर बॉईल हो जाता है, 1 बाय 1 एग्स को पैन के अंदर हमें डालना है। अच्छे से हमें एग्स को मिक्स करना है, जिससे कि स्पाइस, वाटर एंड वेजिटेबल्स मिक्स हो जाएं। दोबारा कवर कर देना है थोड़ी देर के लिए। जैसे ही वाटर थोड़ा सा कम होगा, हम उसको लास्ट टाइम एक बार और मिक्स करेंगे। तो अब आपकी एग करी रेडी है। अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें।